तो क्या आपको पता है कि सुबह सुबह विधवा स्त्री का चेहरा देखना चाहिए या नहीं। हर हर महादेव साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो मेरे साथियों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस प्रसंग से आपको एक सीख मिलने वाली है कि आखिर सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। मित्रों, ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि आजकल लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी हैं, उसको शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है कि आखिर जिसकी पत्नी मर गई हो तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं। अरे भाई, वह तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है। पर क्या आपको मालूम है कि उसकी पत्नी मरी है या नहीं मरी? अगर वह बिंदी लगता, मंगल सूत्र पहनता, मांग भरता, तो समझ में आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई। लेकिन बिंदी भी नहीं है, मंगल सूत्र भी नहीं है, मांग में सिंदूर भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी स्त्री मर गई है? फिर भी आप पुरुषों को देखते तो है ना। लेकिन वही अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं कि सुबह सुबह विधवा स्त्री का मुंह दिख जाए तो अपशगुन होता है। लेकिन ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं लोग? मेरे प्यारे साथियों, जन्म तो परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा देते हैं। किसका संबंध किसके साथ कितना है, यह ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। फिर भी आप लोग किसी का मुख देखकर यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि ये अपशकुन है? मेरे दोस्तों, अब आप ही सोचो कि अगर इस प्रकार से सुबह सुबह विधवा स्त्री का मुख देखना एक अपशगुन होता, तो मेरे राम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ जी भी स्वर्ग से धार गए थे। तो उनकी तीन पत्नी विधवा हो गई थी, कौशल्या मैया, कैकई मैया, सुमित्रा मैया, वह भी तो विधवा हो गई थी। तो अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था क्या? भगवान श्री राम ने मुंह नहीं देखा था क्या? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगी और बताना चाहूंगी कि पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है, और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, और पुण्य आत्मा को पुण्य नजर आता है। अर्थात जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। चलिए अगर मान लेते हैं कि किसी का पति मर भी गया, लेकिन पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है, तो आखिर क्यों रखा है, आपने सोचा है? तो मैं बताती हूँ, क्योंकि साथियों, जाने वाला तो चला गया, परंतु पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी। अर्थात जैसे कि पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है, तो पत्नी को आंधी तनख्वाह तो आती है, तो ठीक उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पुण्य करती है, उसका आधा काट कर उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य पति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, वह सारा उसकी पत्नी के खाते में जाता है। अर्थात परमात्मा ने आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए छोड़ा है, भजन करने के लिए छोड़ा है। इसलिए आप एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान का भजन करो, जिसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप एक लोटा पानी शिवजी को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कौन कहता है कि विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? इसीलिए यह सब गलत बातें हैं। और जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैला रखे हैं। तो इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी वाणी से किसी को ठेस पहुँचती है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में जीने का हक सभी को है, और एक न एक दिन मरना तो सबको है। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म और अच्छे वाणी से सभी के मन शीतलता प्रवाह बनाए रखें। तो मेरे साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे इसी प्रकार की वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहें। और मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और वीडियो को लाइक करके
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।